दोस्तों, आज मैं इस रास्ते से घर की तरफ जा रहा था, मुझे ये सोलर पैनल रास्ते पर पड़े हुए नज़र आए। मैं रुक कर इनको देखने लगा हूँ। ये तकरीबन कोई 16 सोलर पैनल हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनको थोड़ा सा तिरछा करके रखा हुआ है। इनके सर के नीचे क्रेट रखे हुए हैं ताकि इनका सर ऊपर हो जाए और सूरज की रोशनी इन पर अच्छे से पड़ सके। तकरीबन 1 बजे का टाइम है, सूरज बिल्कुल सर पर है। धूप साफ आ रही है, मौसम इतना गर्म नहीं है। थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। बस आप कह सकते हैं थोड़ा सा गर्म मौसम है। तो इस तरह ये पैनल खेत में ज़मीन पर पड़े हुए हैं। पैनल को ऊपर उठाकर देखते हैं कौन सी कंपनी का है। लोंगी कंपनी का है। इसकी क्रेट थोड़ी सी हिल गई है। ओके, वापस रखते हैं, ऐसा ना हो कोई वायर खराब हो जाए। अच्छा, निकल गए। वही हुआ, केबल निकल गई है, ट्यूबवेल बंद हो गया है। किसान भाई वहाँ से आवाज़ दे रहे हैं कि आपने वायर निकाल दी है। अब वो भागते हुए आ रहे हैं लुपी लगाने के लिए। हाजी साहब, सो सॉरी, मैं चेक कर रहा था कि पैनल कौन सी कंपनी के हैं। उठाकर स्टिकर देखा नीचे से तो शायद केबल निकल गई। लगा दी। ओके, आपको पता चल जाएगा इधर से भाई कनेक्शन सही हो गया है या उधर से पूछना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक निकल गई। ओके हो गया। तो कैसा चल रहा है ट्यूबवेल इस टाइम? फुल है, फुल पानी, फुल प्रेशर के साथ आ रहा है। फुल प्रेशर के। नाइस, चल कर देखे ये वायर कहाँ पे जा रही है। हम केबल के साथ चलते चलते ट्यूबवेल की तरफ जा रहे हैं। ओके, कितनी दूर जा रही है केबल? 300 फीट। दरख्तों के अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी की आवाज आ रही है। ठंडी जगह होने का एहसास पहले से ही हो रहा है। वाह वाह वाह, कितना साफ साफ पानी आ रहा है, खूबसूरत प्योर। ओके, ये केबल और आगे जा रही है और वो हमारे किसान भाई उधर लेटे हुए हैं चारपाई पे, गप्पे लगा रहे हैं, ठंडी जगह को एंजॉय कर रहे हैं। ये इन्वर्टर रखा हुआ है छांव में झाड़ के नीचे। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ रही है जी, और ये इन्वर्टर से केबल मोटर की तरफ जा रही है शायद। हाँ जी, बड़ी मोटर है,
अच्छा सेटअप है, ठंडी ठंडी जगह पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, पानी का प्रेशर चेक करते हैं, काफ़ी अच्छा प्रेशर आ रहा है पानी का, कितना प्यारा प्यारा साफ सुथरा पानी आ रहा है। वाटर डिलीवरी 5 इंच की है और टेको की मोटर है जी, मेड इन ताइवान है, 1450 आरपीएम। इधर पानी का लेवल वही हमारे एरिया में 20 फीट है, 20 फीट पे ही मीठा मीठा और प्योर पानी निकल आता है, जो कि कुदरत की एक नेमत है। अब हम चलकर अपने फार्मर भाइयों के साथ गप्पे लगाते हैं पानी के साथ साथ चलते हुए। नहर किनारे, नहर में पानी नहीं आ रहा है, ये हैंड पंप लगा हुआ है, ठंडा ठंडा पानी भी इससे भी आता है। वाह, इस हैंड पंप का पानी 10-15 फीट पे भी आ जाता है, माशाल्लाह। बच्चे गाने बंद करो, बाद में हमारे YouTube पे कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा, ठीक है। ये है जी हमारे मियां साहब, इस एरिया के इंचार्ज हैं, इस एरिया के लैंड ओनर हैं, माशाल्लाह मियां डीसी साहब, बहुत ही नाइस और अच्छे बंदे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? माशाल्लाह पानी शानी लगा रखा है खेतों में, माशाल्लाह जबरदस्त, ठंडी ठंडी जगह है माशाल्लाह, काफी ठंडी है, फुल ठंडी। हालांकि बाहर काफी गर्मी है, मगर इस जगह पे काफी ज्यादा झाड़ दरख्त और पानी की वजह से ठंडी ठंडी जगह लग रही है। ये केले के झाड़ भी लगाए हुए हैं मियाँ साहब ने, माशाल्लाह। मियाँ साहब माशाल्लाह, आज हम आपको YouTube पर मशहूर करने वाले हैं, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोल दें। लाइक, ओके थैंक यू। वो किसान भाइयों, अभी तो आपने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब का बोलना है, आप कहाँ जा रहे हो? हाँ जी, इधर आके आपने केले के सामने खड़े होके लाइक शेयर सब्सक्राइब बोलना है, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब ऐसे करके जरूर करना, जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, आज का ट्यूबवेल आपको दिखाया सोलर सेटअप का, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।